वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बेहद बम्पर वैकेंसी, एकदम अच्छी वैकेंसी आ रखी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है डीआरडीओ में, डीआरडीओ को कौन नहीं जानता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के सैन्य क्षेत्र जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनके लिए जो है ना विज्ञान होता है ये काम करता है और इन्हें चीज़ें बना के देता है डीआरडीओ। तो देखिए, इसमें बम्पर वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि एक तो ये एक अच्छा संस्थान है, तो इसमें दलाली अलाली नहीं होने वाली है। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से तैयारी की, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी हो सकती है। और देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा, 1817 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की। तो देखिए, इतनी ज्यादा वैकेंसी कभी आती नहीं है, रेयरली आती है। तो और ये सबसे बड़ी बात, ये एमटीएस की है, तो कक्षा 10 पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात कि 10 पास हो, और 10 तो हर कोई पास है, 10 पास हो या आईटीआई पास हो या कक्षा 10 के इक्विवेलेंट कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसकी सारी ज़रूरी बातें, फॉर्म भरने से लेकर आपके रिजल्ट आने तक की, मतलब कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या होने वाला है, सब चीज़ देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अगर आप चैनल पर प्रथम बार आए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको सारी वैकेंसियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और एक चीज़ और बता दूं कि ये CEPTM करके जॉब आती है, तो ये क्या होता है, ये एक संस्था है, ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि आपने देखा हो IBPS होती है बैंक में, सिर्फ एग्ज़ाम कराया और बैंक को दे दी ये बच्चे सुटेबल है, तो ये भी एक एग्ज़ाम कराने की संस्था है। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ CEPTM। तो बस ये बात यहीं तक रखते हैं, अब वैकेंसी के बारे में और आगे देखते हैं। क्रूशियल डेट है 23 जनवरी 2020। कहने का मतलब, जो बच्चे इस साल का 6-10 में हैं वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, अपीयरिंग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। ठीक, किस डेट का, 23 जनवरी 2020 के पहले पहले का। ठीक है, चाहे 19 का हो, 18 का हो, 17 को कभी का हो, लेकिन इस डेट के पहले का होना चाहिए। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 23 दिसंबर से चालू होंगे, जो कि अभी चालू नहीं हुए हैं, और 23 जनवरी 2020 तक चलेंगे। और अभी इसमें देखिए दो टाइप के एग्जाम होने वाले, एक टीयर 1 है और एक दूसरा टीयर 2 है, दोनों CBT हैं। इन दोनों की डेट अभी बताई नहीं गई, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 4 to 6 months आपका जो ना रिटर्न एग्जाम टीयर 1 कंडक्ट कराना ये लोग शुरुआत कर देंगे। तो आपकी तैयारी फॉर्म भरने से ही शुरुआत कर देनी, फॉर्म भरना तो अभी 23 तारीख को होगा, लेकिन आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना कोई गपलेबाजी नहीं, फॉर्म सबका सबमिट ही होना है और सबका जो है ना आपको रिटर्न एग्जाम देने को मिलेगा, तो आप तैयारी अभी से ही शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 होगा, फिर इसके बाद टीयर 2 होगा, और जो है ना और आगे बताएंगे मेरिट लिस्ट के बारे में आपको। ये देखिए, अगर आप DRDO के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब लोगों को जो है ना ये लोग उपकरण बना बना के देते हैं, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी, लेकिन यहां से भी देख लीजिए, कक्षा 10 पास या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई भी पास या ITI पास, तो कोई भी तीनों में से एक चीज़ है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब देखो टोटल पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं मैंने ऊपर बताई थी कि 1817 टोटल ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है। आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज भी, SC के लिए इतनी, ST, OBC, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जिसके पास इकोनॉमी वीकर सेक्शन मतलब कैटेगरी में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। आपको देखिए फायदा हो, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा, आप जरूर बनवा लें। अनरिजर्व के लिए 849 आपके लिए, और ESM का मतलब जो आपके भूतपूर्व फौजी हैं उनके लिए, ये PWD का मतलब जो है फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उन बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देख ली, और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज़ें बताते हैं। पे स्केल बता देता हूँ, तनख्वाह कितनी मिलेगी, लेवल 1 का वेतन है 1800 से 56,900 तक, तो आपकी जो मंथली जो सैलरी बनेगी वो सैलरी इसमें खर्च ज़्यादा नहीं बनेगी, करीब करीब जो है ना 22,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको बनने वाले हैं, 22,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है वो आपको अलग से मिलेंगे, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में कई अन्य सारे बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। अब देखिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 25 साल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये जरूरी 18 से 25 साल। और उम्र सीमा की गणना कब से होगी, ये मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था ऊपर, 23 जनवरी 2020 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी, 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे कि SC ST में आते हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC में आते हो 3 साल की छूट मिल जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप में आते हो तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको सारी छूटें वगैरह मिलने वाली रिजर्व कैटेगरी को भी। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ आपकी जो है ना पोस्टिंग हो सकती है, सिटीज ऑफ पोस्टिंग मतलब कहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखिए आगरा, अहमद
नगर, ये सारे जो सिटीज़ लिखी हैं यहाँ यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये नासिक, पुणे, तेजपुर, विशाखापत्तनम, ये सारी सिटीज़ हैं जो ना, तो ऑल ओवर इंडिया के मुझे लगता है हर कोने से कुछ कुछ सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर सिटीज़ ऑफ पोस्टिंग स्टेशंस आपकी यहाँ पर जॉब रह सकती है। तो अच्छी बात है, आप जो है ना कम से कम ऑल इंडिया घूमने का भी मौका मिल जाएगा और आप अपने घर के पास भी रह सकते हो, कई बार आपके घर के पास कोई ना कोई स्टेशन ज़रूर होगा। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे लेते हैं, इसे रहने देते हैं, ये कुछ खास बात नहीं थी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि किसे किसे मिलने वाला है, तो इसके बारे में भी अब हम नहीं बात करेंगे। अब देख लेते हैं आपको फॉर्म फीस कितनी है। 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। अब एक बात और बता दूं कि किसे किसे छूट मिल रही है, यहाँ से देखिए, एग्जम्पशन ऑफ फॉर्म फीस, ऑल वुमेन कैंडिडेट, SC ST, फिजिकली हैंडीकेप्ड एंड भूतपूर्व फौजी, इन लोगों को कोई फीस नहीं देनी। किसे किसे? कोई भी लड़की को SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी को, और फिजिकली हैंडीकेप्ड और भूतपूर्व फौजियों को कोई फीस आपको नहीं देनी है। तो ये बात यहाँ से भी हो गई। और आगे देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट मैंने ऊपर बताई थी, वहाँ से जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, उसमें कुछ खास नहीं है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर ये बने हैं, 42 सेंटर हैं ये सारे। आप जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें तो अपना टिक कर लो कि आपको एग्जाम कहाँ देना है, वहां पर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये जो सिटीज हैं ये Tier 1 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बताई गई हैं। Tier 2 के लिए अभी इन्होंने नहीं बताया कि आपके यहाँ यहाँ पर एग्जाम होगा। ये लोग आपको, जब आप Tier 1 में पास हो जाएंगे तब आपको बताएंगे कि आपको Tier 2 का एग्जाम कहाँ पर देना है। ठीक है, तो Tier 1 की ये सिटीज़ हैं, Tier 2 के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी नहीं बताया गया। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड वगैरह, ये जब एग्जाम कंडक्ट होने वाला होगा उसके 2 सप्ताह पहले, प्रियर टू 2 वीक्स प्रियर टू एग्जामिनेशन, आपके जो ना एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है www.drdo.government.in, इस पर जाकर समय समय पर आप जो है ना तहकीकात करते रहें, देखते रहें कहीं एडमिट कार्ड तो नहीं आए हैं। ठीक है, वरना इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट है, जैसे सरकारीRESULT.com, सरकारीExam.com, अब वहां से जाकर भी जो है ना जब एडमिट कार्ड आते हैं तो ये लोग सूचित करते हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए दो तरह के एग्जाम होने वाले, एक तो Tier 1 है और दूसरा है Tier 2। ठीक है, जो Tier 2 है इसके बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप Tier 1 की तैयारी ना करें, क्योंकि Tier 1 में जैसे 1800 वैकेंसी, 2000 मान लेते हैं मोटी मोटी, तो 2000 का 10 गुना करो, 2000 का 10 गुना हुआ कितना, 20,000। तो Tier 1 में 20,000 लड़के लिए जाएंगे। ठीक है, अब वो बाकी सारे के सारे Tier 2 में छाटे जाएंगे, तो कम से कम आप 20,000 में तो आ जाओ उतने, तो इसलिए आपको Tier 1 की भी तैयारी करनी है। तो और ये CBT होंगे, दोनों CBT, मतलब दोनों आपको कंप्यूटर पर ही देने हैं, और दोनों आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न हो गया उसके 4 उत्तर, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, और इसका डिटेल सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, www.sarkarisyllabus.com पर। 1 से 2 दिन में आपकी ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, आप वहाँ से डिटेल सिलेबस, ओल्ड पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो ये बात, और आपका जो एग्जाम है वो दोनों भाषाओं में रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट Tier 2 के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। अब देख लीजिए जो आपका Tier 1 है CBT, उसमें क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, गणित आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आप जितना अच्छा स्कोर कर सकें उतनी अच्छी बात। अब जो Tier 2 है CBT दूसरा वाला, इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इसे बेहतरीन करना। ठीक है, जनरल साइंस 40 नंबर की, जनरल मैथ 40 नंबर के, और जनरल अंग्रेजी 20 नंबर की, आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 90 मिनट का आपके पास में टाइम रहने वाला है। और देखिए मिनिमम आपको Tier 1 में 40% नंबर लेके आने ही हैं, तभी आप उसकी मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे, देखिए यहाँ पर लिखा है। और जो SC ST कैटेगरी के हैं उन्हें मिनिमम 35% नंबर लेके आने, तभी आप Tier 2 के लिए सॉर्ट आउट हो सकते हो। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1:10 के अनुपात में Tier 1 में जो है ना बच्चे लिए जाएंगे, तो Tier 1 में लिए जाएंगे 20,000, और जो Tier 2 होगा उसमें जो 1817 वैकेंसी, बस उतने बच्चे ले लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह हर चीज़ बड़े ही क्लियर से एकदम आपको पता चल गई होगी।
तो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, आपको नंबर वगैरह बता देते हैं इनके, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप इनसे संपर्क कर लें। ये देखिए नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप इन दो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ये इनकी ईमेल आईडी, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कोई अगर आपकी क्वेरी होती है। और ये जो फ़ोन नंबर है, आप इन पर अगर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे के पहले पहले ही करिएगा, और वो भी संडे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि संडे को जो है ना छुट्टियाँ होती हैं सरकारी, और या कोई और छुट्टी, तो उसे छोड़कर आप 10 से 4 के बीच में फ़ोन करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और इसका एक सिलेबस के लिए आप जा सकते हैं www.sarkari-syllabus.com पर, syllabus.com पर जाकर 1 से 2 दिन में आप इसे देख पाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन वैकेंसी 1817 ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपने अच्छे से एग्जाम वगैरह दिए तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।